सबसे पहले तो भगवान का शुक्राना, और उसके बाद हमारे देश की जुडिशरी का धन्यवाद कि जिन्होंने सच्चाई के ऊपर एक बारी दोबारा मोहर लगाई है कि हमेशा सच्चाई की जीत होती है, सत्यमेव जयते। और अरविंद केजरीवाल जी को इस केस में, जो एक झूठा केस है, जो एक फर्जीवाड़ा, जिसको कह कह करके शराब घोटाला शराब घोटाला शराब घोटाला, और उनकी साजिश थी कि किसी ना किसी तरीके से अरविंद केजरीवाल जी को इस फर्जी केस में जेल में बंद रख सकें, पर उनके सारे जो मंसूबे हैं वो नाकामयाब हुए हैं, और कोर्ट ने उनकी नापाक कोशिशों को जो है बेनकाब किया है। ट्रायल कोर्ट ने साफ तौर पर ये 2 दिन की लंबी बहस के बावजूद, और जिसमें ईडी ने अपना सब कुछ लगा दिया, उसके बाद ये फैसला आता है तो साफ ये जाहिर होता है ये अकेली बेल नहीं। आपको ये भी पता लगता है कि पूरा ट्रायल जो है वो पूरी तरह से इट हैज़ फॉलन फ्लैट, और अरविंद केजरीवाल जी को एक बहुत बड़ी राहत मिली है, सच्चाई की जीत हुई है, आम आदमी पार्टी की जीत हुई है। तो मैं सभी अदालत का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, और उन लोगों को मुबारकबाद दे रहा हूँ जिन लोगों ने संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो देश के लोग लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी पावर का महसूस कर रही है, आज भारतीय जनता पार्टी चुने हुए जो लोग हैं उनके ऊपर झूठे फर्जी केस बना रही है। सो मैं समझता हूँ आज एक बहुत बड़ी जीत जो है इंसाफ पसंद लोगों की हुई है, जो इंसाफ को प्यार करते हैं उन लोगों को मिली है। सो उन लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद, और पार्टी के हमारी पार्टी के हर एक कार्यकर्ता का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने एक लंबी लड़ाई भी लड़ी अरविंद केजरीवाल जी के पक्ष में, आम आदमी पार्टी के पक्ष में, देश के संविधान को बचाने के पक्ष में, देश के लोकतंत्र को बचाने के पक्ष में।